सो गाइज आज हम लोग वीडियो कर रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग का। वैसे गाइज मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर एक लाइव सेशन लिया था आज से अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले। मैंने सारी चीज़ें कवर करी थी, लेकिन आई गेस आप में से काफ़ी लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, बिकॉज अक्सर ये रिक्वेस्ट आती रहती है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर आपने अपनी व्यूज़ नहीं बताया। हालांकि मैं बता चुका हूँ उसको। सो अगर आपको लाइव सेशन मिल जाए आप उसको भी एक बार प्लीज़ चेक करना। इसके अलावा गाइज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सारे के सारे डाइट के ऊपर एक्सक्लूसिवली और काफ़ी इन डेप्थ वीडियो करने वाला हूँ, और ये सारे के सारे आपको एक ही प्लेलिस्ट में आज के बाद से मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा गाइस डाइट रिव्यूज। सो मैं क्या करूंगा, जैसे कि इससे पहले भी हमारा एक वीडियो आया था पैलियो डाइट वाला, वो वीडियो हो गया, ये वीडियो हो गया, इसके बाद एक कीटो का आएगा, ये सारे के सारे आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर अब मिल जाएंगे। इससे गाइस शायद आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि सिंस इतने सारे वीडियोज है तो उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी कि चैनल पर कहाँ ढूंढे। सो इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि उनको एक फेस्ड मैनर में एक क्रिएटेड प्लेलिस्ट में कहीं उनको इस तरह से रख दूं कि आप इजीली उनको एक्सेसिबल कर सकें। सो जैसे मैंने बताया कि ये अब एक पार्ट होने वाला है डाइट रिव्यूज़ का, तो इस डाइट रिव्यू की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे डाइट और डाइट पैटर्न के बारे में इन डेप्थ वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आपके सामने जो ये आई बटन ऊपर आ रहा होगा आप इसको क्लिक कर लेना, आप चेक कर लेना हम लोगों ने कौन कौन से कवर कर लिए इसी प्लेलिस्ट में, बाकी सारे रिव्यूज़ भी आएंगे। सो गाइज आज हम लोग ले रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वीडियो, और ट्रस्ट मी अगर आप इसे पूरा का पूरा देखेंगे आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक गाइज। गाइज ये जो व्हाइट बोर्ड आप मेरे साथ में देख रहे हैं ये मैंने इसीलिए लिया बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो थोड़ा सा इन डेप्थ होने वाला है और मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी पार्ट मिस हो जाए। मैंने सारे के सारे वो पॉइंट्स कवर करें जो आप अक्सर कमेंट सेशन में लिखते रहते हैं। सो पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू इस वीडियो की, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले जानेंगे हम लोग कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है, उसके बाद क्या क्या इससे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे कि किस तरीके से आप इसे वेट लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं, वेट लॉस के एक टूल की तरह कितना इफेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए, कितना इफेक्टिव होता है फैट लॉस के लिए, उसके अलावा आप इसे अगर बॉडी बिल्डिंग के परस्पेक्टिव से इसको देखते हैं तो उसमें कितना कारगर है, उसके बाद जो आपके कुछ डाउट्स हैं कि सिंस इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो क्या वो आपके लिए हेल्दी है, अगर आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करते हैं तो वो क्या आपके लिए हेल्दी है और उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसी के साथ साथ इससे जुड़े हुए कुछ और चीज़ें जैसे कि मेटाबॉलिज्म और मसल लॉस। सो ये सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होता है। गाइस इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, यानी कि डाइट एक तरह से आप उसको बोलते हैं कि वो आपको ये बताए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप चाहें तो वेजिटेरियन फूड खाएं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाएं, आपको जो भी उसके अंदर फूड चॉइसेस चाहिए आप वो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक डाइट का पैटर्न है, यानी कि ये आपको ये बताता है कि आप किस समय खाएं। सो इसमें क्या होता है, फास्टिंग और नॉन फास्टिंग का एक पैटर्न होता है। शुरुआत में इसे काफ़ी लोग 16:8 वाला जो पैटर्न था पीपल यूज टू फॉलो इट, यानी कि एक 16 आवर की विंडो जिसमें कि आप फास्टिंग में रहते थे, उसके अलावा पूरे दिन में आप सिर्फ 8 आवर्स की ऐसी विंडो निकालते थे जिसमें कि आप अपने सारे के सारे मील्स जो भी आपको मैक्रोज अपने पूरे करने, यू कैन कम्प्लीट इन दैट 8 आवर ऑफ विंडो। सो दिस वॉज द पैटर्न विच वॉज जनरली फॉलोड। हालांकि गाइस रिसेंटली अब इसमें काफ़ी ज़्यादा और वेरिएशन भी आ चुके हैं, लाइक पीपल फॉलो अ 5:2 मेथड जिसमें कि एक हफ्ते में दे वुड eat their normal food like a normal eating cycle for 5 days or 2 days के लिए वो एक complete fasting पे जाते हैं। So that's a cycle। इसके अलावा there's also a cycle of 24 hours जिसमें कि वो 24 घंटे का एक तरीके से cycle में खाना खाते हैं और उसके बाद 24 घंटे बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा इसमें अब और variations आ चुके हैं, because see the only purpose that intermittent fasting is followed is कि जो fasting से benefits होते हैं people want to take those benefits, चाहे वो weight loss हो चाहे वो fat loss हो या फिर और सारे benefits जो हम लोग अभी discuss करेंगे। अब उनको benefit को लेने के लिए
लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल में जो उनको सूट हो सकता है दे ट्राई टू फॉलो दैट मेथड। सो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई 16:8 वाला जो है प्रिंसिपल उसको फॉलो कर रहा है तो वो बेस्ट हो जाएगा, या फिर कोई 5:2 वाला फॉलो कर रहा है तो वो बेस्ट हो जाएगा। इट इज़ अबाउट हाउ यू टेक द एडवांटेज ऑफ द फास्टिंग प्रिंसिपल। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। गाइस जितने भी एडवांटेजेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये सारे के सारे रिसर्च प्रूवन है। इस वीडियो में बहुत सारे आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल्स प्लस स्टडीज मिलेंगे, उनको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। मैं सारा का सारा आपके सामने जो कंटेंट शेयर कर रहा हूँ उसके ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा बीइंग अ फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट जो अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज के गाइडलाइंस होते हैं उसके ऊपर सारा का सारा ये वीडियो बेस्ड है। सो यू कैन बी अश्योर्ड ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इट हैज़ बीन वेल रिसर्च्ड। सबसे पहले गाइस इसमें जो आता है वो आता है आपका HGH विच यू ऑफकोर्स नो इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सो अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉलो करते हैं इट गिव्स अ बूस्ट टू योर HGH, देर इज एन इंक्रीज इन योर HGH लेवल। अब आप में से कुछ लोग HGH का नाम सुनते हैं उनको ऐसा लगता है कि HGH अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मींस कि बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और सीधे उनका दिमाग बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाता है। गाइस HGH इज समथिंग जो कि आपकी बॉडी को एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी जरूरत होती है। बॉडी के अंदर सिर्फ आप अगर हाइपरट्रॉफी की बात करें सिर्फ एक वही ग्रोथ नहीं होती है। सो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी HGH की एक नीड होती है। सो वी टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल HGH लेवल। सो आप अगर शॉर्ट टर्म फास्टिंग करते हैं बिकॉज इंटरमीडियंट का जितना भी रोल होता है वो एक शॉर्ट टर्म फास्टिंग का होता है, इसमें बहुत लंबी फास्टिंग इसमें नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, क्योंकि अगर आप कई कई दिन तक भूखे रहते हैं तब आपका HGH इंक्रीज नहीं होगा। बट शॉर्ट टर्म फास्टिंग येस इन स्टडीज हैज़ बीन प्रूवन टू इंक्रीज योर HGH लेवल्स। दूसरा इसमें गाइज आता है इंसुलिन। जिन लोगों को इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके ऊपर इंटरमीडियंट फास्टिंग काफ़ी अच्छा वर्क करता है। यानी कि अगर वो किसी भी फॉर्म का एक फास्टिंग विंडो फॉलो करते हैं, एक इंटरमीडियंट फास्टिंग विंडो फॉलो करते हैं, ऐसा देखा गया स्टडीज़ में कि उन लोगों की इंसुलिन सेंसिटिविटी पहले से बेहतर हो जाती है, उन लोगों की टॉलरेंस ऑफ इंसुलिन काफ़ी पहले से बेहतर हो जाती है। एंड येस इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ एज वेल। एंड द थर्ड एडवांटेज विच इज़ सेलुलर रिपेयर एंड जीन एक्सप्रेशन। गाइज ये एक इसका एक ऐसा एडवांटेज है जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको महत्व नहीं देते हैं, हालाँकि इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा काफ़ी सारे स्टडीज़ में देखा गया कि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करते हैं तो जो आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स के अंदर चेंजेस आते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर चेंजेस आते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आते हैं, उससे ऐसा देखा गया है कि वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, और वो आपको हेल्प करता है इन लॉन्जिटिविटी। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको एक हेल्दियर लॉन्ग लाइफ देने में इंटरमीडियंट फास्टिंग स्टडीज़ में ऐसा प्रूव हुआ है कि वो आपको हेल्प कर सकते। सो गाइस इंटरमीडियंट फास्टिंग से आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले आपका HGH इंक्रीज होता है, दूसरा उसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, उसके अलावा देर आर चेंजेस एट सेलुलर एंड जेनेटिक लेवल। सो इससे एक तरीके से क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो कि आजकल काफ़ी सारे डिजीज़ का जो है एक मेन कारण है, उसको भी ये कुछ हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये सारे का सारा स्टडी बेस्ड है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की हार्ट हेल्थ इश्यूज़ है, यानी कि अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, LDL लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें भी कुछ हद तक कम करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है एंटी एजिंग। भाई जो एंटी एजिंग है ना, ये थोड़ा सा फिलहाल इनकनक्लूसिव रिसर्च है, यानी कि इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। अब गाइस बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आई एम श्योर कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज हमें से ज़्यादातर लोग वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग के लिए इसको फॉलो करना चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं भाई वेट लॉस के लिए। इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन वेट लॉस? येस इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन वेट लॉस। अब उसका गाइस रीज़न बहुत सिंपल सा है कि आप अगर सोचो कि आपने अपना ईटिंग साइकिल ही छोटा कर दिया। अगर मान लेते हैं कि पहले आपका ईटिंग साइकिल सुबह 12 से लेकर रात के 12 बजे तक होता था, या 12 से 12 थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो गया, आप अगर सुबह 8 बजे उठते थे, सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक होता था। अक्सर लोगों का यही होता है कि सुबह 10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट होता है और रात का खाना खाते खाते 9-10 बज जाते हैं। सो आपका अगर ईटिंग साइकिल बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादातर नॉर्मल एक इंसान का नंबर ऑफ डाइट भी ज़्यादा होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मील भी ज़्यादा होंगे। सो अब आपने जब डिलिबरेटली सुबह 10 से 10 की बजाय अब आपने कर दिया सुबह 10 से 6, यानी कि शाम के 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो 6 बजे के बाद आपके एक या दो मील थे वो कम हो गए। सो अगर आप जो सेम फूड आइटम्स पहले खा रहे थे, जो सेम मील्स पहले खा रहे थे, वो एग्जैक्टली सेम रखें, उनके टाइमिंग सेम रखें, तो ऑटोमेटिकली एक या दो मील कम हो जाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका ऑटोमेटिकली फूड इनटेक कम हो जाएगा।
इसकी वजह से आपको वेट लॉस और फैट लॉस एक्सपीरियंस होने को मिल सकता है। हालांकि अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं विंडो तो रखूंगा 8 घंटे की, लेकिन मेरा फूड इंटेक जो पहले 12 घंटे के अंदर था वो मैं 12 घंटे की जगह आई एम गोइंग टू कंज्यूम द सेम फूड द सेम कैलोरी इन 8 आवर्स, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कितनी बार आपसे कि सबसे पहली चीज़ होता है आपका डेफिसिट। अगर डेफिसिट क्रिएट नहीं होगा, अगर एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा, योर बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू लूज वेट और फैट। सो इसलिए मेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इंटरमीडियंट फास्टिंग जो है वो एक सिर्फ पैटर्न है। उस पैटर्न का फ़ायदा आपको ये मिल सकता है कि आप डेलिबरेटली थोड़ा सा आपका इंटेक कम हो जाता है बिकॉज ईटिंग विंडो छोटी है। सेम इज़ फॉर वेट लॉस एंड सेम इज़ फॉर फैट लॉस। दूसरा इसमें आता है बॉडी बिल्डिंग का, कि क्या आप बॉडी बिल्डिंग में एक तरीके से इसको इनकलकेट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको ऐसी गलतफहमी है कि आप अगर एक दिन में 6 से 7 मील्स खाएंगे तो ही आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होता है, तभी आपकी बॉडी अच्छे से बिल्ड हो पाती है, तो ऐसा नहीं है। आपके डेली के जो मैक्रोज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। सो अगर आप चाहें तो आप अगर 8 to 16 वाली विंडो फॉलो कर रहे हैं और उस 8 आवर की विंडो में आप शायद 3 से 4 मील के अंदर आपका जो डेली का इनटेक होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से आपने जो भी अपने मैक्रोस डिसाइड करें, अगर आप वो उस 8 आवर्स में पूरे कर सकते हैं, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन फॉलोइंग दिस डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग एज वेल। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डाउट के जो कि अक्सर मुझे सुनने को मिलते हैं विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहला उसमें आता है स्किपिंग ब्रेकफास्ट, कि अगर सुबह के टाइम सिंस इंटरमिटेंट फास्टिंग का विंडो जो होता है वो लगभग ऐसा शुरू होता है कि जनरली पीपल स्किप देयर ब्रेकफास्ट। सो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो क्या वो अनहेल्दी नहीं होगा? बिकॉज हमने तो अक्सर ये सुना है कि ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सुबह के टाइम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है गाइस, साइंस इसमें जो है ये कहती है कि जो लोग इनफैक्ट अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप उनमें से हैं कि जो सुबह के टाइम अगर ब्रेकफास्ट मिस कर दें तो उनको पूरे दिन ज़्यादा भूख लगती है। बिकॉज ये जो चीज़ है ना, आप हर इंडिविजुअल के ऊपर सेम चीज़ नहीं हो सकती है। मतलब आई कुड बी समवन जिसको सुबह सुबह उठते ही बिल्कुल भूख नहीं लगती है, जो कि इजीली एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर सकता है। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज़ एक्सपेक्ट करूँ आपसे भी, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सुबह सुबह उठते ही दे फील हंग्री, तो अगर मैं उनसे यही चीज़ एक्सपेक्ट करूं तो शायद उनसे वो नहीं हो पाएगी। बिकॉज दे वुड फील क्रैंकी कि यार सुबह से कुछ खाना तो मिला नहीं, अब मैं ऐसे ऑफिस जाऊं, मैं ऐसे जिम जाऊं। सो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से वो विंडो 8 आवर्स की कैसी होनी चाहिए, कि आप रात का खाना मिस करना चाहते हैं या फिर आप सुबह का खाना मिस करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो वो आपके लिए अनहेल्दी होता है, ये साफ साफ रिसर्च में प्रूवन है। इसके बाद अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करते हैं तो उससे फिर क्या होगा? गाइस मैंने एक वीडियो करा था, आई बटन आपके सामने आ रहा होगा बना हुआ, मैंने एक्सक्लूसिवली ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर करा था कि आप फास्टेड वर्कआउट अगर करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इन शॉर्ट यहीं बताया था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फास्टेड स्टेट के वर्कआउट में। अगर आप फास्टिंग में वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ आपको कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस करे थे जो आपको फॉलो करने चाहिए, प्लीज़ उसको एक बार देख लेना। बट येस, यू कैन डू फास्टेड स्टेट वर्कआउट एज वेल एंड येस यू कैन सी रिजल्ट्स एज वेल। इसके बाद आता है मसल लॉस। मसल लॉस गाइस आपको तब तक नहीं होगा जब तक आप एक अच्छी वेट ट्रेनिंग, एक अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक अच्छा प्रोटीन इंटेक रखते हैं। मसल लॉस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा ओवरहाइप्ड होता है कि आप अगर 7 के 7 दिन जिम जाएंगे तो लॉस हो जाएगा, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। मसल लॉस गाइस इतनी आसानी से नहीं होता है। बॉडी विल नॉट टैप इन मसल्स फॉर योर डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर अनलेस यू आर इन एन एक्सट्रीम डेफिसिट, या फिर आपका प्रोटीन इंटेक बहुत कम रहता है, या फिर आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज करना कम कर दें। जब तक आप अपने मसल्स को सेम लेवल ऑफ स्टिमुलाई दे रहे हैं जो आप उसे पहले दे रहे थे, दे हैव ऑल द रीजंस टू मेंटेन दैट हाइपरट्रॉफी। बस यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका प्रोटीन इंटेक है वो एम्पल है, जो आपने पहले प्रोटीन इंटेक रखा था या तो सेम रखा है, थोड़ा सा आप उसे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आता है कि इस मेटाबॉलिज्म, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो भूखे रहते हैं तो उससे मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। ये भी गाइस गलत चीज़ है, बिकॉज स्लो तब होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में भूखा ज़्यादा रहते हैं, खाना कम खाते हैं। शॉर्ट टर्म जो फास्टिंग होती है ना, इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर योर मेटाबॉलिज्म, वो आपका मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करती है।
गाइज ट्रस्ट मी, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, दिस इज समथिंग आई बिलीव कि मैंने इतना सारा डिटेल में तो शायद आपसे फर्स्ट टाइम ही शेयर करा होगा. दिस इज एक्चुअली एक्सक्लूसिवली रिजर्व फ्रॉम माई ऑनलाइन क्लाइंट्स. सो कोई बात नहीं, सोचा थोड़ी सी सोशल सेवा भी जरूरी है करनी. एंड आई एम श्योर कि आपके ऑलमोस्ट ऑल द डाउट इससे क्लियर हो गए होंगे. स्टिल अगर कुछ डाउट है या फिर आप मेरी किसी बात से अग्री नहीं करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, डाउट जरूर बताना. और मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद एक घंटे तक यार ऑनलाइन रहता हूँ एंड आई ट्राई कि ईच एंड एवरी कॉमेंट का मैं रिप्लाई करूँ. सो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा अपने कॉमेंट्स फटाफट फटाफट जाके टाइप कर देना. मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं इंडिविजुअली आपका जहाँ तक हो सके एवरी डाउट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँ. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और डाइट कवर करूँ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, बिकॉज मे बी शायद आपका डाउट हो लेकिन हेल्प काफ़ी सारे लोगों की और हो जाए. अगर अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट नहीं करा, द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. गाइस वीडियोज आते हैं हमारे यहाँ रोज इस चैनल के ऊपर. अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करना. अगर कभी ऐसा लगे कि आज नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या चक्कर है, तो गाइज आपको क्या करना है, आपको होम पेज पर आकर चेक करना है. वीडियो जरूर आया होगा, ये जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन आया है नहीं आया, वीडियो इज गोना बी देयर एवरी डे. सो गाइज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो. दोस्तों से शेयर जरूर करना. अगर आपको कोई दोस्त करना चाहते हैं इस डाइट को तो उसकी हेल्प हो सकती है अगर आप उससे शेयर करेंगे. यू कैन ऑल्सो पुट अप स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, तभी ये चैनल ग्रो करेगा, तभी आप हमारी हेल्प कर पाएंगे और तभी हम लोग ऐसे एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट आपके लिए कर पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो गाइज. आई सी यू इन सम अदर वीडियो. चीयर्स.